दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार साहू है और मैं इटारसी शहर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं एसलीपीएस संस्था का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हूं। हमारी संस्था एसलीपीएस संस्था का एक बहुत ही शानदार रिजल्ट एक और जनरेट हुआ है। दोस्तों हरदा शहर एमपी से, तो आइए हम रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दौलत सिंह राजपूत है। दौलत सिंह जी राजपूत, सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर जी मैं हरदा शहर के साइड में, मतलब नौसर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप हरदा शहर नौसर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो सर आपके यहाँ क्या समस्या थी? सर जी लगभग मेरे ये बालक को 12 साल से अस्थमा वाली समस्या है। अच्छा अच्छा, आपके बालक को 12 साल से अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो क्या नाम है बेटा आपको आपका? नितिन राजपूत। नितिन राजपूत, नितिन राजपूत जी को। तो सर मतलब 12 साल, मतलब अभी उम्र इसकी कितनी होगी? लगभग 13 साल हो गए सर। अच्छा अच्छा 13 साल, मतलब जन्म के एक साल बाद से ही इसको अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो सर इसके लिए किसी डॉक्टर को आपने दिखाया होगा? सर जी मैंने हरदा में लगभग ये अपने भागवत डॉक्टर रवि गर्ग है, बंसल जी, इनको सबको दिखा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैंने इंदौर तक इसको अरविंदो में और डॉल्फिन में, मतलब आपने हरदा शहर में जितने भी डॉक्टर थे सारे के सारे डॉक्टर को आपने ट्रीटमेंट कराया। तो ट्रीटमेंट कराने से सर इसको कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिला था हरदा शहर में? सर जी तुरंत मिल जाता है, 4 दिन बाद वापस हो जाता है। अच्छा, मतलब 3 से 4 दिन आपको रिजल्ट मिलता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम उसे जनरेट होने लगती थी। तो पर सर इसके बाद आपने क्या इसको कहीं बाहर के डॉक्टर को दिखाया? सर जी मैंने इसको इंदौर में भर्ती करवाया था, ऑपरेशन के लिए ले गया था। अच्छा अच्छा, तो अरविंदो में लगभग मैंने 8 से 10 दिन इसको भर्ती रखा। अच्छा, मतलब इंदौर शहर में जो अरविंदो हॉस्पिटल है आपने उसमें इसको चेकअप करवाया? चेकअप करवाया, वहाँ डॉक्टर को भी दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया। अच्छा, तो डॉक्टर ने इसकी सांस नली का ऑपरेशन की बोल दिया था। अच्छा, मतलब आपने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी जो सांस नली है श्वास नली का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ सर? सर जी एक मैम आई, मैम ने बोल दिया कि बालक का ऑपरेशन अभी सांस रोक के नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला नहीं मैम इसका ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। तो वो मैम ने बोला कि डॉक्टर साहब पहले मैं आपका ऑपरेशन करूंगी, आपकी सांस रोकूंगी। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो उसने बोला बालक की जान मत लो, बोले कि ऑपरेशन लाग बालक नहीं। मतलब किसी और महिला ने आपको सजेशन दिया कि इसका आप ऑपरेशन नहीं करवाइए? हाँ महिला ने। अच्छा उन्होंने ऐसा बोला मैडम जी ने? मैडम जी। तो आपने फिर इसका ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, तो मतलब इन सब चीजों में इतने समय में सर आपने डॉक्टर के पास टोटल कितना पैसा लगा दिया? सर जी मैंने लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने डॉक्टर के पास इसको दिखाते हुए नितिन को 2 से 2.5 लाख रुपए आप खर्च कर चुके थे, फिर भी कोई आपको आराम नहीं? आराम नहीं मिला सर। अच्छा अच्छा, तो फिर सर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर जी मेरे को ये विनोद जी मिले थे। अच्छा अच्छा, विनोद जी से मैंने ये संस्था वाली दवाई के बारे में उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, तो मैंने ये दवाई ली तो उससे अच्छा, इसको आराम है। अच्छा, मतलब इसके बाद आपकी मुलाकात मिस्टर विनोद जी से हुई, तो मिस्टर विनोद जी ने आपको हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, दोस्तों ये इम्नोडॉग इनको रिकमेंड कराई। तो फिर सर इसके बाद क्या हुआ? सर जी ये लगभग 3 महीने हुए हैं, 3 महीने। इस बीच में मेरे बालक को लगभग 80% 70 से 80% आराम है। अच्छा, मतलब टोटल आपको ये दवा देते हुए अभी 2 से 2.5 महीना हुआ है, तो 2 से 2.5 महीने में अभी इसको अगर हम आराम की बात करें तो कितना आराम है? लगभग 70 से 80% है। 70 से 80% इसको आराम है। तो दोस्तों हमारी संस्था की जो भी दवा रहती है उसे 3 से 6 महीने दवा देने का बोलते हैं, तो अभी सर के यहाँ मुश्किल से 2 से 2.5 महीने के अंदर 70 से 80% आराम लग चुका है। तो सर मैं यही कहूंगा आपसे दौलत सिंह जी राजपूत कि आप इसको सिर्फ 3 से 6 महीने इस दवा को आप सजेस्ट कराइए, क्योंकि 3 से 6 महीने का ही हम बोलते हैं, 3 से 6 महीने ये दवा लीजिए और आपके यहाँ 100% आराम हो जाएगा। मैं बिल्कुल लूंगा ना सर जी, जब लग इसको आराम नहीं लगेगा 6 महीने से, अगर 12 महीने चलेगी तो मैं बिल्कुल चलाऊंगा। नहीं सर 12 महीने की तो जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि 2 से 2.5 महीने में इसको जो है 70 से 80% आराम लग चुका है, तो 3 से 6 महीने हमें प्रोडक्ट पूरा देना है। मैं करूंगा ना सर। तो आप सर हमारी दवाओं से संतुष्ट हैं, खुश हैं? सर जी मैं संतुष्ट हूँ, खुश भी हूँ। इसके अलावा
जो आदमी भी मेरे को मिलेंगे ये वाली पोजीशन वाले, उनको आपसे मिलाने का काम बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल सर, यही काम करना है, क्योंकि हमें अपने भारत देश के आयुर्वेद को लोगों के घर घर तक पहुंचाना है। बिल्कुल, जो भी मेरे करीब है उनको सबको मैं ये दवा बता के बिल्कुल सर आपसे मिलवाऊंगा। बिल्कुल सर। अच्छा नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटा आप खुश रहते हो, स्वस्थ हो, अच्छा लगता है आपको? बहुत बढ़िया सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि हमारे संस्था के जो एमडी है, जो जन्मदाता है इन दवाओं के, मिस्टर संजीव कुमार जी, उनको थैंक्स कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी दवा, इतनी अच्छी आयुर्वेद दवा आज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो थैंक यू संजीव सर, थैंक यू एसलीपीएस, थैंक यू सर।